हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंशियल विजडम पे। तो दोस्तों, अब आज हम स्टडी करेंगे सोनाकॉम प्रिसिशन के बारे में। तो स्क्रीनर वेबसाइट ओपन करने के बाद कंपनी को सर्च किया हमने, तो दोस्तों कंपनी जो है वो 27,561 करोड़ की कंपनी है। तो कंपनी का हमें मार्केट कैप पता चल गया। जो कंपनी का CMP करंट मार्केट प्राइस है वो है 471। तो दोस्तों, अब कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। सोनाकॉम प्रिसीजन फोर्जिंग इज एन इंडिया बेस्ड ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी। दो कंपनी किस चीज़ में एंगेज है? कंपनी एंगेज है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और उनके सप्लाई करना इंजीनियर्ड ऑटोमेटिव सिस्टम्स कंपोनेंट, जैसे कि हमारी डिफरेंशियल असेंबलीज होगी, गियर्स हो गए बड़े बड़े, कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स होगी, BESG सिस्टम हो गया, EV ट्रांजेक्शन हो गया, मोटर अक्रॉस व्हीकल कैटेगरी। द कंपनी डेवलप मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर सिस्टम कॉम्पोनेंट एज वेल एज बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंपनी ना केवल इंजीनियरिंग पूरे तरीके से ले रही है, मैकेनिकल आस्पेक्ट तो देख रही है, उसके साथ IT प्लस हार्डवेयर सेक्टर भी देख रही है। ये कंपनी अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी दे रही है। तो कंपनी के सेक्टर बहुत ही अच्छा है। हम इसके की पॉइंट्स अब देखते हैं। स्टार्टेड एज अ जॉइंट वेंचर, द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड एज सोना ओकिगावा प्रिसिशन फोर्जिंग लिमिटेड एज JV विद मिट्सुबिशी मेटल्स कॉर्पोरेशन। द नेम वॉज लेटर चेंज टू सोना BLR प्रिसीजन फोर्जिंग इन 2016। द एग्रीमेंट वो टर्मिनेट हो गया था 2019 में। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है इनकी। द प्रोडक्ट लाइन द कंपनी इज क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने ड्राइव लाइन पार्ट्स जैसे कि डिफरेंशियल असेंबलीज और गियर, और दूसरा मोटर्स जिसमें ये EV की भी मोटर्स दे रहे हैं। तो ड्राइव लाइन सेगमेंट में जो कंपनी मैन्युफैक्चर डिफरेंशियल असेंबली, प्रिसीजन फोर्जिंग, बेवल गियर्स हो गए, इलेक्ट्रिफाइड, नॉन इलेक्ट्रिफाइड, PVS, CVS और 3WS, ये सारी चीज़ें। मोटर सेगमेंट में कंपनी मैन्युफैक्चर कन्वेंशनल और माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर्स फॉर PV एंड LCVS, EV ट्रांजेक्शन मोटर्स एंड मोटर कंट्रोल यूनिट फॉर हाइब्रिड। तो ये कंपनी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल समझने में आपको मदद करेगा। तो इंक्रीजिंग मार्केट शेयर अक्रॉस वेरियस कंपोनेंट, सोना BLW इज अमंग टॉप 10 ग्लोबल डिफरेंशियल बेवल सप्लायर्स, अमंग टॉप 10 ग्लोबल स्टार्टर मोटर्स। तो आप इस कंपनी की वर्थ समझ सकते हैं इस चीज़ से। एज ऑफ 2022 सोना BLW मार्केट शेयर इज ग्लोबल डिफरेंशियल गियर एंड स्टार्टर मोटर्स स्टूड 7.2, जो कि 2021 में 5 और 2020 में भी 5 था और 4.1 इसी तरह से रिस्पेक्टिवली। इन डोमेस्टिक मार्केट द कंपनी होल्ड 80-90% मार्केट शेयर इन कमर्शियल व्हीकल एंड ट्रैक्टर्स। ये चीज़ देखने वाली है। और यहाँ पे ये कंपनी का कट डाउन दिया हुआ है इन्होंने, ये चीज़ अपने यहाँ पे इन्होंने बता दिया। जो डिफरेंशियल असेंबलीज है वो इनका रेवेन्यू आ रहा है 27%, माइक्रो हाइब्रिड मोटर 26, डिफरेंशियल गियर्स 25 और कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर 17 और अदर 5%। तो आप यहाँ पे इनकी डाइवर्सिफाइड ग्लोबल जियोग्राफिकल प्रेजेंस भी देख सकते हैं। द कंपनी ड्राइव्स 26% ऑफ फाइनेंशियल 2000 रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया एंड द रिमेनिंग ओवरसीज ऑपरेशंस लाइक नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। तो स्लोंग इसका जो क्लाइंट बेस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अशोक लेलैंड हो गया, M&M, एस्कोर्ट, महिंद्रा, इलेक्ट्रिक, रेनॉल्ट, ये जैसे इन ग्रुप्स इनके साथ हैं। तो यहाँ पे R&D एक्टिविटीज भी आप इनकी देख सकते हैं। द कंपनी इन्वेस्टेड 9,925 मिलियन रुपीज इन R&D एक्टिविटीज। तो जो कंपनी, ये चीज़ बहुत समझने वाली बात है अब यहाँ से जो निकल के आती है। एक होता है मार्केट में कंपीट करना, कंपटीशन करना, और दूसरी चीज होती है मार्केट को रीडिफाइन करना। जो कंपनी
फ्यूचर ग्रोथ में ये चीज समझती है कि कंपीट करने से ज्यादा रीडिफाइन करना मार्केट को ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होगा। तो इस कंपनी में ये चीज उभर के आ रही है, ये अपनी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे जो खर्चा कर रही है वो आने वाले समय में इनको पॉजिटिव अप्रोच देगा ही, क्योंकि ये कुछ नई चीजें लेके आएंगे जिनसे कि मार्केट रीडिफाइन होगी, रिक्रिएट होगी, फिर कंपटीशन आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल दिख रहा है कंपनी का। और आप यहाँ पे एक्विजिशन के कैपेक्स प्लान देख सकते हैं, कैपिटल किस तरह से ये इनकी कैपेक्स प्लान है, और यहाँ पे ये सारी चीजें आप स्टडी कर सकते हैं इनके बिजनेस मॉडल के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा आप नंबर्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो हम लॉन्ग टर्म ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, पर यहाँ पे थोड़ा 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 बाइंग आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी एक्युमुलेशन दिख रही है। तो कंपनी ने अपना डेप्ट रिड्यूस किया, कंपनी ने गुड प्रॉफिट क्वार्टर, गुड प्रॉफिट ग्रोथ दी है, कंपनी हैज मेंटेन्ड हेल्दी डिविडेंड भी मेंटेन किया है, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है 20.5%। तो ये क्यों हुई है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने यहाँ पे रीड मोर किया था तो इसका लास्ट पॉइंट था ब्लैकस्टोन एग्जिट, सोना BLW सेल्स 20.5 स्टेक्स। तो ये ब्लैकस्टोन ने यहाँ से एग्जिट लिया था, तो इस कारण ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसी तरह से सेल्स की बात करें तो सेल्स 72 क्वार्टर, कोई भी इसका सेल्स के हिसाब से खराब नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका मेंटेन है, खराब नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इनका सही है, नेट प्रॉफिट इनका यहाँ पे कम हुआ है 2022 में 66, और फिर से इन्होंने लय पकड़ी है 2000 सितंबर में 83 और दिसंबर में 96। तो नेट प्रॉफिट भी ठीक है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स 2014 से लेके 2022 तक, तो ये मोटा मोटी 8 साल की, मतलब 6 और 2, 8 8 साल में 331 से 1900, बहुत ही बढ़िया सेल ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि 52 करोड़ था वो बढ़ के 417 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ा है, और कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो दोस्तों कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में है, पिछले 5 साल की 31%, पिछले 3 साल की 40%। तो ये कंपनी सेल्स में पीछे नहीं है, सेल्स अच्छी कर रही है। उसी तरह से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रो भी बहुत अच्छे से हो रहा है, और कंपनी का जो हमारा प्राइस CAGR है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, वो भी बढ़िया है। बैलेंस शीट की बात करें कंपनी की तो बैलेंस शीट में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, 28 28, और ये इसलिए बड़ा है क्योंकि उन्होंने अपने ब्लैकस्टोन ने एग्जिट किया था। टोटल लाइबिलिटीज भी ओके हैं, और एसेट्स भी सेम, रिजर्व्स बड़े हैं कंपनी के, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी ओके है। और रेशियोज की बात करें तो ROCE 21 21 12%, तो ये ROCE भी मेंटेन है कंपनी का। प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है, क्यों कम हुई थी ये हमने आपको बताया है, ब्लैकस्टोन ने एग्जिट लिया था, और FIIs 24 31% DIIs, तो डोमेस्टिक, ये चीज़ देखने वाली है। इसी तरह से इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट हमने ओपन की तो यहाँ पे आ गया एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक सेक्टर में ड्रोन्स, ये वो, ये इनकी एक पिक्चर में बहुत ही कुछ कंपनी के बारे में ये बताते हैं। इसी तरह से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा हाईलाइट ऑफ द ईयर, चेयरमैन कम्युनिटी, कौन कौन सी चीज़ कौन से पेज पे है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसे नीचे करेंगे तो रेवेन्यू दिखेगा आपको 36% अप, एबिटा 27% अप, INR में भी आपको वैल्यूज दिख जाएंगी। और नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग, कल्चर ऑफ इनोवेशन, तो इस कंपनी की सबसे जो अच्छी बात लगी है वो इनकी R&D के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की लगी है। जैसा कि मैंने पहले बात की, ये कंपनी कंपीट करने से ज़्यादा रीडिफाइनिंग में ज़्यादा बिलीव रख रही है, और जो कंपनी रीडिफाइनिंग मार्केट को भी साथ में लेके चलेगी तो वो तो फ्यूचर में ग्रोथ दिखाएगी ही दिखाएगी। 3555 इनके एम्प्लॉयज़ हैं,
R&D सेंटर, 3 वेयरहाउसेस इनके 8 हैं और इनकी वैल्यूज यहाँ पे आप डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं इसकी एनुअल रिपोर्ट की। और यहाँ पे 18 कस्टमर्स, इन्होंने सारा फेज वाइज बताया है किस तरह से इनकी कॉर्पोरेट ओवरव्यू और यहाँ पे ट्रैकिंग एंड जनरली थ्रू ईयर्स भी इन्होंने दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइव मोटर्स जो बाइक्स में हैं वो भी, कंट्रोलर और हब मोटर व्हीकल भी। तो ये बहुत ही मतलब कि इम्प्रेसिव चीज है कि एक ही कंपनी आपको इतने कंपोनेंट्स दे रही है जिसकी कि कस्टमर अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट जैसे ब्रांड्स हैं। और यहाँ पे ऑटो रिक्शा में भी आप देख सकते हैं इनके जो है पावर्ड एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट बास्केट्स किस किस तरह के, ये यहाँ पे इनके टू व्हीलर में हो गए, ये आ गया कार्स में इनके पास, डिफरेंशियल बेवल गियर्स, ट्रांजिशन मोटर, कंट्रोलर, स्पूल गियर्स, ये सारी चीज़ें ही दे रहे हैं। ऑटो रिक्शा में भी आप देख सकते हैं ट्रैक्टर, दूसरी कार्स और यहाँ पे भी। तो क्रॉस द ग्लोब देखेंगे तो इंडिया में यहाँ पे इनके गुरुग्राम, चेन्नई, मनेसर, पुणे और यहाँ पे इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, R&D प्लस बहुत ही अच्छा जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, R&D का, टूल्स और इंटरनेशनल ऑफिसेस का भी बहुत ही बढ़िया डिस्क्रिप्शन ये दिया है। और नीचे करेंगे तो आप द इंजन ऑफ द वैल्यू क्रिएशन, तो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेवेन्यू जो है इनका इतना बिटता इतना, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है। तो मैं इसकी एक बार आपको यहाँ पे हम मैनेजमेंट डिस्कशन जो हमने ऊपर देखा था 44 पेज नंबर पे है वो भी देख लेंगे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, तो यहाँ पे आई थिंक हमें फिर से ऊपर जाना चाहिए और देखेंगे मैनेजमेंट जो डिस्कशन है इनकी, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस 44। तो उसको एक बार ओपन कर लेते हैं तो उससे हमें और पता चलेगा कंपनी की थिंकिंग अप्रोच के बारे में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे आई थिंक 62 पेज पे आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे 44, ये आगे मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एनालिसिस। तो इंडस्ट्रियल ओवरव्यू, ग्लोबल लाइट व्हीकल सेल्स वर अराउंड 81 मिलियन यूनिट इन 2021। अराउंड द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सेल्स रिकवर्ड फ्रॉम द लो ऑफ द कोविड। या पूरी रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा इस कंपनी के बारे में देखने से पहले। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में आपको कंपनी के डाउनसाइड अप्रोच और किस तरह से ये कंपनी उभरी सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो मेरी राय मानिए दोस्तों, इस कंपनी को डिटेल में स्टडी कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा कुछ देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा किसी के भी बिजनेस मॉडल में ये चीज़ नहीं हमने देखी, हमने काफ़ी कंपनी स्टडी की हैं, मतलब देखी भी हैं, पर कोई कंपनी जो अपनी R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर कोई कंपनी, द कंपनी इज इन्वेस्टिंग 915 मिलियन रुपीज़ इन R&D एक्टिविटीज, कंट्रीब्यूटिंग 5.8% ऑफ फाइनेंशियली रेवेन्यू। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं और ये ज़रूर पढ़े मैनेजमेंट रिपोर्ट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के वो स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।